दिखता खुदा भी ना मेरा। ये भी तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे सारे काम कर दूं और किसी को पता भी ना चले। गुड आइडिया, लेकिन अम्मी को सब कुछ पता चल जाता है। सुनो, ये रात को तुमने तो मेरी चाय में कुछ नहीं मिलाया। आज तो उन्होंने किचन में जाकर मजे के पराठे बनाए कि मैं चाह रहा था उनके हाथ छूं। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें रोज आना पड़ेगा। भाई साहब, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब देखे ना कि असम की नौकरी अगर बहुत अच्छी हो, खुदा ना खास्ता शादी के बाद नौकरी ना रहे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अपना तर्ज जिंदगी अच्छा करने की हमें कोशिश जरूर करते रहना चाहिए। और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। वैसे अंकल, सच पूछे तो मैं तो बहुत परेशान था। मुझे डर लग रहा था कि सुराना के वालिद आएंगे, मुझे बोलेंगे कि आप लोगों की बेटी की वजह से हमारी बेटी को चोट आई है। लेकिन आपने तो सारे मामला इतने अच्छे तरीके से तय कर दिए, बल्कि आपने तो हमें ये हिम्मत भी दी है कि अब हम रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। तो भाई साहब, फिर हम ये रिश्ता पक्का समझे? अरे ऐसे कैसे बहन जी, आप बाकायदा हमारे घर तशरीफ लाएं, हमें भी खिदमत का मौका दें। और देखिए, रस्म तो तभी पूरी होगी ना कि जब आप हमारे घर आकर बात आगे बढ़ाएंगी। कुछ आप हमें समझें और कुछ हम आप। और किस्मत में हुआ तो रिश्ता भी हो जाएगा। कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? नहीं नहीं अंकल, 100% दुरुस्त बात की आपने। ये रहे अम्मी ये कपड़े, यहां पे रख रही हूं। क्या हुआ अम्मी, आप मुझे परेशान लग रही हैं। शाजिया की कॉल आई थी, अरसिम का एक्सीडेंट हो गया है और सुनैना भी उसके साथ थी। कौन सुनैना? जिसे अरसिम पसंद करता है। अरसिम किसी को पसंद करता है? और शाजिया जानती थी ये बात? नहीं, अगर जानती होती तो अभी तक अरसिम की उम्मीद लगा के बैठती वो। और आपको क्या लगता है कि ये सब जानने के बाद वो भूल जाएगी अरसिम को? पता नहीं। खैर, आप परेशान नहीं हो अम्मी। हो सकता है कि अरसम को किसी और की तरफ माइल देखकर शाजिया अपना दिल बदल ले और वो सारिम को ही अपना शौहर तस्लीम कर ले, उसके साथ हंसी खुशी रहने लगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आमीन। खैर, तुम कपड़े उठा के रख दो।
बाबा। सब ठीक है ना? हाँ हाँ, I'm perfectly alright. तुम जाओ, आराम करो। क्या बात है? आपको कुछ बुरा लगा अरसम के घर पे? अच्छे लोग हैं वो, लेकिन लेकिन लड़का थोड़ा लापरवाह लगता है, बचपना है उसमें। भला यह भी कोई उम्र है मोटर बाइक पे मस्तियां करने की? अगर हमारी बेटी को चोट वोट लग जाती तो? पसंद है सुने ना कि वो, वैसे भी शादी हो जाएगी, जिम्मेदारियां पड़ेंगी तो ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम्हें कैसे लगे वो लोग, खास तौर पे लड़की की वालदा? हमारी बच्ची ने शादी के बाद ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारना है। सिर्फ सास नहीं, जिठानी भी, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग हमेशा साथ में ही रहे। सच पूछे ना, वो शाजिया की शख्सियत कुछ पुरसरार सी लगी है मुझे। पुरसरार? उसके चेहरे पे बिल्कुल खुशी नहीं थी। हम पहली बार उनके घर गए थे। हाँ ये ठीक है कि उसने चाय वगैरह का ख्याल रखा, मगर रिश्ते को लेकर उसने कोई बात नहीं की। और तुम्हें क्या लगता है क्या बात हो सकती है? यही जो आजकल जिठानियों के मसले हैं भाई, अपने शोहर को तो काबू में रख ही लेती हैं, वो चाहती हैं कि देवर भी अपनी मुट्ठी में रखे। मतलब क्या है तुम्हारा? जाहिर है वो देवरानियां भी अपनी मर्जी से लाना चाहती हैं, अपनी बहनों को, अपनी कजन्स को या फिर अपनी सहेलियों को। तय ये पाया कि हमें शादी के मामले में ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जी। आज तो उन्होंने किचन में जाकर मजे के पराठे बनाए के फिर जा रहा था उनके हाथ चूमने। भाभी, आपने मुझे बताया नहीं कि सुनैना के घर वाले आपको कैसे लगे? वैसे जैसे पहली बार लोग मिलते। लेकिन हाँ, उनके बाबा की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने तो बहुत सी बातें की, आपको कौन सी बात अच्छी लगी? उन्होंने कहा कि आना जाना करे, हम आपको जाने, आप हमें जाने, शादी का क्या है? अगर नसीब में लिखी हुई तो वो तो हो ही जाएगी। और हाँ, कहा कि नौकरी की फिक्र करें। लेकिन भाभी, उन्होंने नौकरी की तो ऐसी कोई बात नहीं बोली। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो अपनी बेटी उठाकर ऐसे ही दे देंगे। मुश्किल घड़ी में किस्मत का सहारा तो लिया जा सकता है, लेकिन सारा बोझ किस्मत पे तो नहीं डाला जा सकता ना? भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं आज? शाजिया बिल्कुल ठीक कह रही है, सोलाने सही बात कर रही है ये। अरे पहली बार मिले थे वो लोग, बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता था जैसे रिश्ते के लिए उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब दोबारा मिलेंगे ना तो सबसे पहले सवाल तुम्हारी नौकरी के बारे में ही करेंगे। भाई उनका कहना भी हक बजानिब होगा। ठीक है कुछ नहीं बोले, लेकिन मैं कम से कम तुम्हारी नौकरी मिलने के बाद ही अब जाऊंगी उनके यहाँ। अरे अम्मी, अब इन चोटों में तो मैं नौकरी तलाश करने से रहा।
तुम्हारी उम्र में ये जो चोटें लगी है ना, इनको ठीक होने में 2 से 3 दिन लगते हैं। बस एक दो दिन आराम कर लो और उसके बाद जाके नौकरी तलाश करो। क्या नौकरी नौकरी नौकरी, ऐसे आप लोग मुझे बोल रहे हैं जिस तरह मैं तो कोशिश कर ही नहीं रहा ना। हाथ धोकर पीछे पड़ गए आप लोग मेरे। ओ ठीक ही तो कह रहे, अब इस हालत में कैसे नौकरी ढूंढेगा? और नौकरी मिलना कोई आसान बात नहीं है, और जब तक ये ठीक नहीं हो जाता ये बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। वैसे भी कौन सा जनाब की उम्र गुजरी जा रही है। ठीक ही तो कह रही है भाभी, अभी मेरा आईडी कार्ड भी नहीं बना तो। अच्छा जनाब का आईडी कार्ड नहीं बना तो मैं तो अभी सिर्फ 20 साल की हूँ बेटा। अरे बेवकूफ, मेरी तो उम्र गुजर रही है ना, और पता नहीं कब मर जाऊं मैं। बस अब तो एक ही ख्वाहिश है मेरी कि मैं हज कर लूं, तुम्हारी शादी हो जाए, अरे तुम्हारे और सारिन के बच्चों की शक्लें देख लूं, उसके बाद मैं सुकून से मर जाऊं। हाय अम्मी, इतना इमोशनल ब्लैकमेल मत करें, नहीं तो मैं कल ही जाके सुनैना से शादी कर लूंगा। चोटें लगी हुई है, क्या कर रही है? अरे शाजिया कहाँ चली गई? अच्छा ये दिख नहीं, आराम से। आए है, इतनी चोट नहीं लगी है जितनी तुम एक्टिंग कर रहे हो। पता है बाइक से गिरने के बाद कितनी जोर की लगती है, कभी चलाई है आपने बाइक? हाँ खैर चलाई तो नहीं है, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से हुआ रही तुम्हारा से। चाय? नहीं यार, आज बहुत चाय पी लिया, चाय पीने का मूड नहीं है। बैठो। आज तुमसे ढेर सारी बातें करने का मूड। शाजिया जानती हो मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम ना सिर्फ एक अच्छी बीवी हो बल्कि एक अच्छी बहू भी हो और एक अच्छी भाभी भी हो। सब तुमसे बहुत खुश हैं घर में, पता है? पता है ऐसे लगता नहीं है जैसे तुम इस घर में नहीं हो, ऐसे लगता है जैसे तुम हमेशा से इसी घर में हो। पता है मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं। जब तुम मुझे बहुत याद आती हो ना तो तुम्हारी ये पिक्चर देखता रहता हूं। क्या तुम भी मुझे याद करती हो? जी। कितना? कितना? इन चीजों में हिसाब थोड़ी होता है। लो भाई देखो, मैं तो हिसाब किताब रखता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मैं रोज पिछले दिन से ज्यादा याद करूं, पिछले दिन से ज्यादा प्यार करूं। पूरा दिन ना बस यही इंतजार होता, कब घर आऊंगा, तुम्हारे साथ बैठूंगा, बातें करूंगा, वक्त गुजारूंगा। बस अब एक और चीज का इंतजार है, हमारे बच्चे। जानती हो जब अरसे वो सोनिया छोटे थे ना, उन्हें बहुत खिलाया मैंने। अब मेरा दिल कहता है कि हमारे अरसे मोर सोनिया हो। नाम तुम अपनी मर्जी से रख सकते हो। पता है शाजिया, मेरी ख्वाहिश और दुआ तो यही है कि एक बेटा हो और एक बेटी, हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए। ठीक हो? नहीं, मैं मुझे खिड़की यहाँ खोल दें प्लीज।
एक सेकंड, तुम एक काम करो, ये लो, ये खाओ, खाओ खाओ ये पकड़ो। हेलो सुनैना। हेलो अर्शद, तुम कहाँ हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? ठीक तो हो ना तुम? सॉरी, आंख लग गई थी मेरी। मुझे बस तुम्हारी फिक्र थी, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं। तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, बस बेहतर हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अंकल आंटी ने तुमसे कोई बात तो नहीं की? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। चलो तुम आराम करो। हाँ लड़की वाले देखते ही देखते घर तक आ गए, रिश्ते की बात भी चल गई है। मुझे तो डर है कि कहीं शादी ना हो जाए, और अगर शादी तय हो गई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बस बैठो, बैठ जाओ। ये पिछले दो दिनों में कोई वाकया हुआ है क्या? कोई हादसा, कोई सानिया? हाँ हुआ है ना, वही हादसा वही सानिया दो खानदानों को मिलने की वजह बने। ना वो हादसा होता और ना ये वजह बनती। बस इतनी सी बात पे हार मान गई तुम? बेफिक्र रहो, मैं हूं ना, ये रिश्ता नहीं होने दूंगा। याद है मुझे, मेरी शादी के वक्त भी आपने यही अल्फाज कहे थे। क्या हुआ, क्या किया? कुछ नहीं किया। तब देखा नहीं था। क्या मतलब है? मतलब इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम उसके लिए इतना कुछ कर सकती हो। बेफिक्र रहो, अब मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। और ये रिश्ता? कभी कभी लोगों को खुशफहमी में जी लेने देना चाहिए। जब वो खुश हो तब वार करो। तुम्हें उसके घर जाना होगा। कब? ये मैं बताता हूँ। कुछ भी करे, मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन अरसम के दिल से सुनैना का ख्याल निकल जाना चाहिए। बस देखो,
जी बीबी किससे मिलना? सुनैरा घर पर है जी, घर पर। आपका नाम? उनसे कहिए कि फिजा उनकी दोस्त से मिले। जी मैं कह देता हूँ, आप चले अंदर। आप बैठे, मैं इनको बुला के लेके आया। सुनो, मैं हूं बेटा, क्या हुआ? अभी अभी मुझसे मिलने कोई आया था मामा, कोई लड़की थी, बड़ी अजीब नजरों से मुझे देख रही थी, जैसे मुझे चैलेंज कर रही हो। कहाँ गई? आप परेशान ना हो बेटा, चलें आराम करें अपने कमरे में। लेकिन आप एहतियात किया करें, ऐसे घर में कोई कैसे आ सकता है? हाँ बेटा, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूंगी, आप जाएं। चलो शाबाश। अभी तो यहीं पे थी, जाए ना। अम्मी, भाभी कहाँ गई हैं? अपनी अम्मी के घर गई हैं। अच्छा, मुझे ये ऐसे हाल में छोड़ के? हर्षिल, वो सारिम की बीवी है, तुम्हारी नहीं। जो मुंह में आता है बकते रहते हो। अम्मी, उन्होंने ही तो कहा था जब भी कोई काम हो मुझे बता देना, फूफो को तंग मत करना। वैसे काम क्या है तुम्हें? बस ऐसे ही, दिल नहीं लग रहा था। सुनैना को कॉल करो ना, जिसे दिल में बसाया उससे बात करो। की थी कॉल मैंने, उसको नहीं रिसीव की उसने। भाभी को कॉल करता हूं। मैंने मना किया है तुम्हें, अच्छा नहीं लगता बेटा। पता नहीं सारिम ने फोन किया है उसे या नहीं, और इस तरह से तुम फोन करोगे कि क्या सोचेंगे वो लोग कि देवर फोन करता रहता है। नहीं करो बेटा। मैं बस थोड़ी देर बात करूंगा, ऐसा क्या हो गया? क्या हुआ? ये भी फोन नहीं उठा रही। अच्छा ही हुआ। खैर, तुम्हारा फोन देखेगी तो बाद में फोन कर लेगी तुम्हें। लैंडलाइन पर कॉल करता हूँ। ये कौन सी जिद है अरसिम?
चले नहीं करता। अच्छा ठीक है, कर लो बात। कहा ना नहीं बात करनी अब। मैं कह रही हूं ना बात कर लो। नहीं बात करनी, मैं चली जाती हूँ। मेरे जाने के बाद फोन कर लेना, जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तब। और हाँ, ये सेब सारे खत्म कर लेना। अस्सलाम वालेकुम अमानी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? अमानी मैं तो बस ठीक ही हूँ। मैं सोच ही रही थी कि तुमसे मिलने आऊँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आप भाभी के साथ ही घर आ जाए। बल्कि मेरी उनसे बात कराए, मैं उनको कहता हूँ आपको साथ घर लेकर आए। शाजिया के साथ? जी। शाजिया यहाँ आई? जी। क्यों आप उधर घर पर नहीं आई? वो बेटा मैं घर पे नहीं थी ना, तो मैंने उसे देखा नहीं। शायद सबा के साथ बैठी होगी। मैं तुम्हें अभी कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है, चले अल्लाह हाफिज़। अम्मी कब तक आप उसकी गलतियों पे पर्दा डालती रहेंगी? जब तक मेरी बाकी बेटियों की शादियां नहीं हो जाती। प्लीज अम्मी आप छोड़ दें ये बातें, और फोन करें आप शाजिया को, उसे बताएं कि उसकी ससुराल से फोन आया था, ताकि वो भी वही झूठ बोले जो आपने बोला है। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही अम्मी कि ताकि वो सच्ची हो जाए, बल्कि इसलिए कह रही हूँ कि मैं फिर से आपको झूठा होते नहीं देखना चाहती। भाभी आप लेटे रहो, लेटे रहो, उठने की जरूरत नहीं है। कहाँ थी आप सुबह से? अम्मी ने बताया कि तुमने कॉल की थी,
और आपने मुझे कॉल बैक नहीं की। इसीलिए मैं खुद आ गई। पता है भाभी, कितना बोर हो रहा था मैं, कुछ करने को ही नहीं है। अच्छा, वैसे तुम्हारे लिए शर्ट, मेरे लिए और नहीं तो क्या, तुम्हारे लिए। अब जब भी तुम इंटरव्यू के लिए जाओगे तो ये शर्ट पहन कर जाना, ऐसे जॉब मिलेगी तुम्हें। अच्छा, नहीं यकीन से कैसे कह सकती हैं आप, खुद ही देख लेना। हाँ अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा फोन क्यों किया था? बताया ना भाभी, बहुत बोर हो रहा था, कुछ करने को ही नहीं है इस हालत में, यहाँ से बेड से कहाँ पे जा सकता हूँ, और आपको मिस कर रहा था। मजाक कर रहे हो, मजाक कर रहे हो मेरे साथ? हाँ नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको वाकई मिस कर रहा था। क्यों, मैं अपनी प्यारी सी भाभी को मिस नहीं कर सकता? हाँ मैं क्या कह सकती, आती। भाभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको मिस कर रहा था, बोर हो रहा था, कुछ करने को ही नहीं, और आप जा रही हैं। अभी तो मैंने आपसे बोला। I'm sorry. सारिम भाई कितने खुशकिस्मत है ना जो आप जैसी बीवी मिली, और एक सुनैना है। क्यों, क्या मसले हैं सुनैने के साथ? इतनी प्यारी तो है। अरे भाभी प्यारी होने से क्या होता है, सोच भी तो प्यारी होनी चाहिए, हर वक्त टोकती रहती है, ये करो वो करो, कब तक सारे भाई के बलबूते पे चलते रहोगे? भाई अभी तो बीवी नहीं हुई, अभी से इतना टोकती है। हर बीवी थोड़ा बहुत तो रोकती टोकती है ना। जानता हूं, बट आप ऐसी नहीं है, आप सारे भाई को कितनी इज्जत देती हैं और वो आपको। काश मेरी शादी आपसे हुई होती। खुदाया मैंने रोके, कौन सी खुदाई। मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आती बेटा। यहाँ क्यों बैठी हुई हो नीचे? मामा मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है, आपके आने से पहले इस कमरे की हर चीज हिल रही थी, लाइट्स ऑन ऑफ हो रही थी बार बार, बहुत तेज हवा चल रही थी यहाँ पे, जैसे मेरे अलावा इस कमरे में कोई दूसरा भी है। अरसिम का फोन आया, मैं फोन उठाने के लिए उठी हूँ, मैं नीचे गिर गई जैसे मुझे किसी ने धक्का दिया। ये देखे तो, ये तो चोट लग गई है, चलो उठो मैं डॉक्टर के पास तुम नहीं चलती हूँ, चलो। नहीं बल्कि मैं फोन करती हूँ, घर बुला लेती हूँ। नहीं तो। आप बस मेरे पास रहे, मुझे चोट भी नहीं चाहिए।
मेरे पास रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आए? बस अभी अभी आया हूँ। शाजिया जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार हो जाऊं? मगर क्यों? डॉक्टर के पास जाना है हमने। पांच मिनट में तैयार हो गया थी। शाजिया यहां आओ। शाजिया तुम्हें पता है हम किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं? नहीं। हम एक साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? जी नहीं। थैंक यू। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं इतनी देर असिम को देखो। दिखता खुदा भी ना मेरा।